एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 जो कंप्लीटिंग स्क्वायर में इसको लाजमी आपने सोल्व करना है। 1.1 से एक लॉन्ग आएगा, ना जाने कब छूटेगी जान हमारी मैट्रिक्स से, हम भी तो कभी जिंदगी की बहारें देखेंगे, हम तो देखेंगे, लाजिम है के हम भी देखेंगे। चैप्टर नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, 2.3 क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, एक्सरसाइज 2.4, 2.5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 2 में से लॉन्ग क्वेश्चन में हर चैप्टर पढ़ने को दिल करता है, ना जाने क्यों मैथ से ही दिल डरता है, दिल तो बच्चा है जी, हाँ जी थोड़ा कच्चा है जी, हाँ जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। इस वीडियो में बच्चों जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे ना, वो होगा हमारे पास 10th क्लास मैथ साइंस ग्रुप। टोटल बच्चों आपके पास 13 चैप्टर है, ठीक है। 13 में से बच्चों 4 चैप्टर आपने लॉन्ग क्वेश्चन में करने हैं, चैप्टर 1, 2, 3, 4, और थ्योरम में बच्चों आपने लॉन्ग करने हैं चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 12। बाकी जितने भी चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 10, 11 एंड 13, ये सारा का सारा आपने करना है शॉर्ट क्वेश्चन में। 10th डेट शीट एग्जाम 2024 बच्चों आपको याद हो ना याद हो, 1st मार्च को आपके मैट्रिक का एग्जाम शुरू हो रहा है, उसके बाद 2nd मार्च एग्जाम 2024 को बच्चों सबसे पहला जो पेपर होगा इंग्लिश का, उसके बाद सिर्फ आपके पास एक छुट्टी है, उसके बाद बच्चों आपके पास मंडे वाले दिन साइंस वालों का मैथ्स का पेपर होगा, आर्ट्स वालों का जनरल मैथ का पेपर होगा। ये आप डेट शीट कंप्लीट अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। बिलिंग स्कीम फॉर क्लास 10th मैथ्स 2024 पंजाब के तमाम बोर्ड लाहौर फैसलाबाद मुल्तान गुजरांवाला साहिवाल डेरे गाजीगंज सरगोधा रावलपिंडी बहावलपुर आजाद जम्मू एंड कश्मीर के लिए। टोटल बच्चों आपका जो पेपर होगा वो 75 मार्क्स का होगा। अगर हम एमसीक्यूज की बात करें तो आपके पास 15 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर नंबर 2 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर नंबर 5 में से बच्चों आपके पास 2 एमसीक्यूज आएंगे, बाकी तमाम जितने भी चैप्टर सारे के सारे एक एक एमसीक्यूज आएगा। और याद रखें एमसीक्यूज जो आप लोगों ने बच्चों करने हैं ना, हर चैप्टर के लास्ट में जो एमसीक्यूज अवेलेबल है ना, जस्ट बच्चों आपने बस वही करना है। अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में से आपके पास 8 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपने जस्ट 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। वो जो 8 क्वेश्चन आएंगे ना, वो चैप्टर नंबर 1 से 3, चैप्टर नंबर 2 से 3, चैप्टर नंबर 3 से भी 3, तीन 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 शॉर्ट क्वेश्चंस में से आपके पास टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे, जिसमें से बच्चों आपने जस्ट 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों आपके पास याद रखें कि 9 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपने जस्ट 6 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। वो कहां-कहां से आएंगे, चैप्टर नंबर 4 में से आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, चैप्टर नंबर 5 में से आपके पास 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, और चैप्टर नंबर 6 में से बच्चों आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। 9 में से आपने जस्ट 6 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में याद रखें बच्चों चैप्टर नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13, इसमें से जस्ट आपके पास जनाब क्या आना है, सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस में डेफिनेशंस करनी है। यहां पर मेरी प्यारी शहजादियों, मेरे प्यारे शहजादों, जस्ट आपने पहले 4 चैप्टर में से ना ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 जो कंप्लीटिंग स्क्वायर है इसको लाजमी आपने सॉल्व करना है। 1.1 से एक लॉन्ग आएगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 1.3 बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, 2.3 क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, एक्सरसाइज 2.4, 2.5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 2 में से लॉन्ग क्वेश्चन में चैप्टर नंबर 3.2 क्वेश्चन नंबर 4, 6, 8, 10, 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2, 8 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2, 4, 6, 7, एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 1, 3, 5, 3.6 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 एंड 7, और लास्ट में बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 एंड 2। चैप्टर नंबर 4, 4.1 क्वेश्चन नंबर 1, 3, 5, 4.2 क्वेश्चन नंबर 3 एंड 5, 4.3 क्वेश्चन नंबर 3 एंड 7। और आपको याद हो के ना याद हो, अटेम्प्ट थ्योरम क्वेश्चन नंबर ये जो 9 है ना, क्वेश्चन नंबर 9 इज कंपलसरी, जिसमें बच्चों आपने चैप्टर नंबर 9 के थ्योरम करने हैं और चैप्टर नंबर 12 के थ्योरम करने हैं। इस वीडियो को आपने लाजमी लास्ट तक देखना है, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 12 का कौन कौन सा थ्योरम आपने करना है। अगर आप इस पेरिंग स्कीम को फॉलो करते हैं ना, इंशाल्लाह ताला यू विल गेन 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स इन एग्जाम 2024। ये चेक करें हमारे बच्चों के आए भी हुए हैं मैथ्स में बच्चों 75 में से 75 में 10th में एग्जाम 2023। इकरा आबिद का आप रोल नंबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, टोटल मार्क्स भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा आमना को भी बच्चों मैथ्स में 75 में 10th क्लास में मैथ्स में 75 में से 75 आए हैं, रोल नंबर भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, टोटल मार्क्स भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दाऊद अली के भी मैथ्स में बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं 75 है, टोटल मार्क्स भी 1048 है और सारे सब्जेक्ट्स में A प्लस मार्क्स है और रोल नंबर भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हाय 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 मलाइका के नंबर चेक करें, रोल
रोल नंबर पहले चेक करें, इसके बाद मैथ्स में मार्क्स चेक करें, 75 है और टोटल मार्क्स 1048 है। अगर आप भी 75 आउट ऑफ 75 एग्जाम 2024 में हासिल करना चाहते हैं, ये चेक करें, हमारे पास मॉडल पेपर हमारे पास अवेलेबल है। आप अपनी स्क्रीन में से भी देख सकते हैं कि 9 आपके पास बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे, आपने कितने अटेम्प्ट करने हैं, सिर्फ 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। इसी तरह आपके पास चैप्टर नंबर 4, 5, 6 में बच्चों आपके पास 9 क्वेश्चंस आएंगे, आपने जस्ट 6 अटेम्प्ट करने हैं। 7 to 13 में से जस्ट आपके पास 9 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, आपने जस्ट 6 अटेम्प्ट करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करूं तो चैप्टर नंबर 1, 2, चैप्टर नंबर 3 and 4 और चैप्टर नंबर 9 और 12 का थ्योरम आया हुआ है। जो हमने आपको मॉडल पेपर दिया हुआ ना, बस आपने वही करना है। इंशाल्लाह यू विल गेन आल्सो 75 आउट ऑफ 75 इन एग्जाम 2024। यूनिट नंबर 1 की बात करें तो चैप्टर नंबर 1 में से बच्चों आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं और वहां से बच्चों आपके पास 1 लॉन्ग क्वेश्चन आना है। ना जाने कब छूटेगी जान हमारी मैट्रिक से, हम भी तो कभी जिंदगी की बहारें देखेंगे, हम तो देखेंगे, लाजिम है के हम भी देखेंगे। डेफिनेशन हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट द नेम्स ऑफ मेथड फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई से दो मेथड बताएं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट वन इज फैक्टराइजेशन, सेकंड वन इज कंप्लीटिंग स्क्वायर। एक्सरसाइज 1.1 से पहले एग्जांपल 1 और एग्जांपल 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 and 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट में है। क्वेश्चन नंबर 2 के पहले 4 पार्ट्स जो है बच्चों आपके पास वो शॉर्ट क्वेश्चन में है। हाय 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 सुभान अल्लाह, मैंने आपको पहले भी बताया कि आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर का कोई एक क्वेश्चन आप करो, लेकिन कंप्लीटिंग स्क्वायर आपने लाजमी करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1, 2, 6 लाजमी करें, इसका अगर आप कोई एक क्वेश्चन भी कर लेंगे ना तो सारा क्वेश्चन आपके पास सॉल्व हो जाएगा। डेफिनेशन में बच्चों आपके पास राइट द क्वाड्रेटिक फार्मूला, जस्ट आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला बताना है शॉर्ट में। एक्सरसाइज 1.2 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4, 7 and 8 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन में। एक्सरसाइज 1.3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 6, 8 ये हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन में। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन में। रेडिकल इक्वेशन बच्चों हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन में। एक्सरसाइज 1.4 वेरी वेरी लेस इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके पास, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक लाजमी आपने करना है, लेकिन 1.3 को लाजमी आपने करके जाना है। 1.3 लास्ट में हर चैप्टर के बाद जो रिव्यू के शॉर्ट क्वेश्चंस आपने लाजमी करके जाने हैं, हर चैप्टर के लास्ट में जो रिव्यू है वो शॉर्ट क्वेश्चंस में आपने लाजमी करके जाना है। गेस पेपर चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट द नेम्स ऑफ मेथड्स ऑफ फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रेसिप्रोकल है, रेडिकल इक्वेशन अभी हम इसके निशान लगा कर आए हैं। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है बच्चों आपके पास एक्सरसाइज 1.1 इंपॉर्टेंट शॉर्ट में, इसके बाद रिव्यू जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। लॉन्ग क्वेश्चन में बच्चों आपके पास 1.1, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, 5, 6, 1.2, 1.3, 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में। अगर आप इन्हीं लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे तरीके से करते हैं, इसी पेनिंग स्कीम को अपनी प्रिपेयर करते हैं, तो इंशाल्लाह ताला यू विल गेन 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स इन एग्जाम्स। मैं आपको लास्ट ईयर का रिजल्ट भी दिखा देता हूं कि हमारे स्टूडेंट्स के मैथ्स में बच्चों 75 आउट ऑफ 75 एंड टोटल 9th में भी 75 मार्क्स आए हैं, 10th में भी 75 मार्क्स आए हैं और जो टोटल मार्क्स हैं वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा बच्चों असद के भी मैथ्स में 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स आए और टोटल मार्क्स भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यूनिट नंबर 2 में से बच्चों आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं और यहां से बच्चों आपके पास 1 लॉन्ग क्वेश्चन आना है। अगर जिंदगी में दुख ना आए तो सुख की अहमियत कौन समझेगा, शायर क्या फरमा रहे हैं, अगर जिंदगी में दुख ना आए तो सुख की अहमियत कौन समझेगा, इम्तिहान में अगर मेरे 1000 प्लस मार्क्स ना आए तो मेरी हार कोई अहमियत समझेगा, आए हाय 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 वाह 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 शायर के क्या कहने। सबसे पहले 2.1 के लिए बच्चों आपने डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला याद करना है, b² - 4ac। एग्जांपल 1 हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में है। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों जस्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में है। अगर हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में। 2.2 से पहले बच्चों आपके पास प्रूव दैट ईच ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी इज द स्क्वायर ऑफ अदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन में। प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन में। एग्जांपल 1 एंड एग्जांपल 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन में। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5, 6, 7, 8 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस में। अगर हम इसकी लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन में।
एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस में जिसमें जो यूज होगा सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन में। आय हाय 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 एक्सरसाइज 2.4 पे मैं सदके जावा, मैं वारी जावा। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 वेरी वेरी बच्चों आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में है, लॉन्ग क्वेश्चन में है, लॉन्ग क्वेश्चन में। 2.5 क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में है, इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर डी एंड पार्ट नंबर बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन में। 2.6 इज मच इंपॉर्टेंट है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में पार्ट नंबर 2 पार्ट नंबर 3। एक्सरसाइज 2.3 पे अगर किसी स्टूडेंट ने मिट्टी डालने तो मिट्टी डाल दे। एक्सरसाइज 2.8 बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 5। गेस पेपर 2024 के बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर एमसीक्यूज़ भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चंस में बच्चों डेफिनेशंस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है चैप्टर नंबर 2 की, लेकिन अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात सॉल्विंग में करें ना तो बच्चों 2.1 क्वेश्चन एग्जांपल है आपके पास है, 2 एग्जांपल एक्सरसाइज 2.2 है, एक्सरसाइज 2.3 2.4 2.5 जो मैंने आपको इस गेस पेपर में बताया मैंने जस्ट बच्चों आपने बस वही करना है। ये आप अपनी स्क्रीन पर भी चेक करें, डिस्क्रिमिनेंट आपके पास क्वेश्चन गिवन है, इसके बाद 1 - ओमेगा - ओमेगा 2 ये आपके पास 2.2 में से गिवन है, विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ये आपके पास आई थिंक सो 2.3 में से अवेलेबल है। इसके बाद देखें आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में आए हाय 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 क्या कहने क्या कहने मॉडल पेपर के क्या कहने। जिसने मॉडल पेपर अपने घर मंगवाना है तो जल्दी करे फौरन करे, इससे पहले ये ना कि हमारे पास मॉडल पेपर खत्म हो जाए। 10th साइंस ग्रुप ऑल सब्जेक्ट गैस पेपर 2024 चाहिए ना, जिसमें तर्जमतुल कुरान की बच्चों न्यू बुक है, न्यू बुक के गैस पेपर अवेलेबल है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो मैथ्स कंप्यूटर साइंस पाक स्टडी इंग्लिश उर्दू इस्लामियात कंपलसरी, तर्जमतुल कुरान की ये न्यू बुक आई है तो आपने परेशान नहीं होना, इसके भी गैस पेपर हमारे पास अवेलेबल है। अगर आप 1000 प्लस मार्क्स गेन करना चाहते हैं, अच्छे कॉलेज जाना चाहते हैं, अच्छी जॉब हासिल करना चाहते हैं तो जितने ज्यादा अच्छे नंबर होंगे उतनी ज्यादा अच्छी जॉब होगी, जितने मठे नंबर होंगे उतनी जॉब ही नहीं होगी, पाकिस्तान में पहली जॉब नहीं है। इन सारे गैस पेपरों की जो प्राइस है ना वो आपको पता है कि महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है, पेट्रोल महंगा हो गया, बिजली के यूनिट महंगे हो गए हैं, दूध दही लहसुन बच्चों के पैंपर फल फ्रूट सब्जियां हर चीज को आग लगी हुई है। तो आपने क्या करना, दिल पे पत्थर रख कर ना 399 रुपीस के बच्चों गैस पेपर अपने घर मंगवाने हैं, जिससे आप 1000 प्लस मार्क्स गेन कर सकते हैं। गारंटी है कि जो हमारे मॉडल पेपर है ना इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से पूरा पूरा पेपर हमारे गैस पेपर में से आएगा। फ्री होम डिलीवरी है, नो एक्स्ट्रा चार्जेस है, पेमेंट ऑन कैश ऑन डिलीवरी है। घर मंगवाने के लिए अभी हमारी वेबसाइट maths.com पर लाजमी विजिट करना है और क्लास 10th के गैस पेपर्स का अभी ऑर्डर दें, जिससे आप 1000 प्लस मार्क्स गेन कर सकते हैं इंशाल्लाह। अगर आपके 9th क्लास में भी बच्चों को सप्ली है ना तो गैस पेपर हमारे पास 9th क्लास के भी अवेलेबल है। आपको अगर मैं एग्जाम 2023 का लास्ट ईयर का रिजल्ट दिखा दूं ना तो आधी से ज्यादा दुनिया फेल है। ये चेक करें लाहौर बोर्ड एग्जाम 2023 का अगर मैं गजट की बात करूं ना तो जनाब सिर्फ 49% बच्चे पास हुए थे और सप्लियों के अंबार लगे हुए हैं, सप्लियां ऐसे आ रही हैं कि जैसे नेहरी में कोई छापड़ नहीं आते। गुजरांवाला के बच्चों जस्ट 53% बच्चे पास हुए थे, 47% जो है वो अल्लाह के वाले। रावलपिंडी की अगर मैं बात करूं तो बच्चों 50% बच्चे जस्ट पास हुए थे, 50% बच्चे फेल है, यानी कि 100 में से सिर्फ 50 बच्चे पास हैं और 50 बच्चे फेल हैं। सरगोधा का भी ऐसा ही हाल है, 51% जस्ट बच्चे पास हुए थे। बच्चों अगर आपको सीरियस है, अगर आपकी 9th में कोई भी सप्ली है तो हमारे गैस पेपर्स आपको हमारी वेबसाइट मैथ्स की दुनिया पर सारा कुछ मिल जाएगा, जिससे इंशाल्लाह आपकी सप्ली भी क्लियर हो जाएगी और इंशाल्लाह आप पासिंग मार्क्स भी हो जाएंगे। अब हम सब्जेक्टिव की बात करते हैं। राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, x + 7 * x - 3 = - 7, x + 7 x - 3 = - 7। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 हमारे गैस पेपर में से देखें, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास सोल्व द इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक का फार्मूला अप्लाई करना है। ये कहां से आया, 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। ये है हमारे पास 2 - x² = 7x, ठीक है। जस्ट आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो दर्जी मसावात की तारीफ करें। डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो दर्जी मसावात की तारीफ करें। राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स 0 - 3, ये हमारे पास आया 2.5 में से, ठीक है। ये देखें आप हमारे गेस्ट पेपर में देख सकते हैं 2.5 एक्सरसाइज 2.5 वैल्यू 8 1 - ओमेगा - ओमेगा² की पावर 7, ये हमारे पास आया 2.2 में से। एक्सरसाइज 2.2 फाइंड ओमेगा स्क्वायर इफ ओमेगा इक्वल टू -1 + √-3/ओमेगा, फाइंड ओमेगा स्क्वायर इफ ओमेगा इक्वल टू -1 + √-3/ओमेगा। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2, रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन x² + px + q = 0 देन इवैल्यूएट a² bx² नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है। 2.4 क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट नंबर वन वन ओवर एक्स माइनस वन की होल स्केयर एक्स प्लस वन, ये हमारे पास है एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर सिक्स, एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर सिक्स, 4.2 क्वेश्चन नंबर सिक्स, प्रूव द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑन कोर्ड बाइसेक्टेड, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑन द कोर्ड बाइसेक्टेड, थ्योरम नंबर बच्चों कौन सा हमारे पास थ्री, हमने गेस्ट पेपर में बता दिया था कि यार आपके पास चेक करें अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, कल वाले चैप्टर में ऐसे भी हमारा ही थ्योरम है, प्रूव द मेजर ऑफ द सेंटर एंगल ऑफ अ मिरर, मेजर ऑफ द सेंटर एंगल ऑफ द माइनर, थ्योरम नंबर वन, और हमारे गेस्ट पेपर में से कौन सा हमने आपको बताया था इंपोर्टेंट थ्योरम नंबर वन, नाइन वाले चैप्टर में से भी हमारा ही थ्योरम आया, कल वाले चैप्टर में से अल्लाह के हुक्म से हमारा ही थ्योरम आया। आप रिजल्ट आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं जिसमें हमारे स्टूडेंट्स ने 1051 ए प्लस मार्क्स गेन किए हैं, इसके अलावा 1019 मार्क्स गेन किए हैं। इसका मैं आपको बच्चों प्रूफ दिखा देता हूँ, आई गेट वेरी बेनिफिट फ्रॉम और गेस्ट पेपर इन 10th क्लास एंड गोड 1051 1051, और इसके बाद मैं आपको रोल नंबर भी बता देता हूँ 280931 280931। इसके अलावा एक और प्रूफ आप देख सकते हैं, सर जी मैंने आपके गेस्ट पेपर लिए थे और मेरे मार्क्स 1019 आए थे इन क्लास 10th, सेंड मी रोल नंबर प्लीज, 1951 54 1951 54, कितने मार्क्स हैं 1019 एंड ए प्लस मार्क्स आए हैं, जिन जिन स्टूडेंट्स ने हमारे गेस्ट पेपर बाय किए थे अल्लाह के हुक्म से उनके 1000 प्लस मार्क्स आए हैं। यूनिट नंबर 3 है बच्चों, इसमें से आपके पास तीन शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और जस्ट एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है। जिंदगी में कुछ करना है, मुझे सिर्फ सुबह शाम पढ़ना है और दोपहर को आप सो सकती हैं। डेफिनेशन में इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके पास डिफाइन रेशियो एंड डिफाइन प्रोपोर्शन, हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन में। 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में, और लास्ट में बच्चों आपके पास 6 एंड 8 वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन में। एक्सरसाइज 3.2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाले शॉर्ट क्वेश्चंस में, और जो आपके पास 9 एंड 11 12 13 है बच्चों आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज 3.3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके पास किसमें, शॉर्ट क्वेश्चंस में, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3, 4, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 एंड 4, क्वेश्चन नंबर 3 का सारे पार्ट्स हमारे पास इंपॉर्टेंट है शॉर्ट में, और क्वेश्चन नंबर 4 के भी सारे पार्ट्स हमारे पास इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन में। एक्सरसाइज 3.4 वेरी वेरी बच्चों आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में है, लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 6 7 8 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में। एक्सरसाइज 3.5 बच्चों हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन में। एक्सरसाइज 3.6 बच्चों हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन में। गेस्ट पेपर 2024 चैप्टर नंबर 3 के बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर MCQs भी देख सकते हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्या चीज हमने फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फी इफ द रेशियो, आपके पास दो रेशियो है, एक ये है एक ये है, ठीक है। अब आपने इसको कैसे सोल्व करना है अपने हाथों से, 2p+5/3p+4=3/4, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें और आपके पास बच्चों p की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद ज्वाइंट वेरिएशन है, इसके बाद थर्ड प्रोपोर्शन है, आपने क्या यूज करना है 3.3 में, आपके पास थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला है। लॉन्ग क्वेश्चन में देखें, हाय आसान तरीन सवाल, वेरी वेरी हमारे पास चैप्टर नंबर 3 में से बच्चों आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इफ 12p and 3 आर इन कंटिन्यू पर मोशन, फाइंड द रेशियो एक्स रेशियो बाय 3 × 4x-3=2। ये वेरी वेरी हमारे पास आसान तरीन है यार, जो मैंने आपको मर्डर पेपर में दे दिया ना, बस चुप कर किसी जगह पर बैठ कर आपने हमारे मर्डर पेपर करने, क्या कहने, कंपोनेंट डिविडेंड और थ्योरम के क्या कहने, हाय मैं सदके जावा, ओए मैं मर्डर पेपर पे सदके जावा। अगर आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मैथ्स में वीक हैं, तो बच्चों जस्ट आपने मर्डर पेपर से तैयारी करनी है, इसके अलावा बच्चों आपने और कुछ नहीं करना, ये मार्क चेक करें। जिन जिन को हमने एग्जाम 2023 में मर्डर पेपर दिए थे ना, मैथ्स में नंबर चेक करें, 75 है इकरा अबित के, आमना के, मैथ्स में 75 है रोल नंबर, ये कोई फेक फूक नहीं है। आप ये ना समझना कि मैंने किसी वर्ड की फाइल में या फोटोशॉप में एडिट करी है, आप इस रोल नंबर को 22 लाहौर की वेबसाइट पे, या फिर आप ऐसा करें रावलपिंडी जहां से भी आप है, ये रोल नंबर चेक करें, रोल नंबर आपने कोई सी भी वेबसाइट पे आप रोल नंबर डालें, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से वही रिजल्ट आएगा जो हमने रोल नंबर में आपको दिखाया। सिर्फ आपने क्या करना है, जो हमने मैथ्स में मर्डर पेपर दे दिया ना, जस्ट बच्चों आपके पास सिर्फ 5 मर्डर पेपर आपने अच्छे तरीके से करने हैं, इंशाल्लाह ताला यू विल गेट आल्सो 75 out of 75 मार्क्स इन एग्जाम्स 2023। अगर इसके अलावा भी बच्चों आपको सारे सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर चाहिए, अगर आपकी 9th में कोई सप्ली है, इंशाल्लाह वो
सप्ली भी क्लियर होगी। आपको मैंने रिजल्ट भी दिखाया कि एग्जाम 2023 का आधी से ज्यादा दुनिया 9th में फेल है जो इस वक्त 10th कर रहे हैं। आपने जाने हमारी वेबसाइट mathskidunia.com पर जाना है, अपना तफसील से उस वेबसाइट को देखें। जो चीज नहीं समझ आ रही आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर पूछें, और परेशान बिल्कुल नहीं होना कि हमारी सप्ली आ गई हमारी दुनिया खत्म। नहीं नहीं, अभी आपकी लाइफ स्टार्ट हुई है। जितनी ज्यादा आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल्स को बियर करेंगे उतने ज्यादा बच्चों आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं, और जो स्ट्रगल्स आप बियर ही नहीं कर सकते तो आप बड़ा इंसान नहीं बन सकते। और दिन रात मेहनत करें, अपने वालदैन के लिए मेहनत करें, और मेहनत इतनी खामोशी से करें कि जब उसका रिजल्ट आए ना 1000 प्लस मार्क्स का, तो जो आपकी कामयाबी है ना वो उसकी धूम मचाए। तो हमारे गेस्ट पेपर्स को लाजमी अपने घर मंगवाएं और इम्तिहान में 1000 प्लस मार्क्स गेन करें। यूनिट नंबर 4 है पार्शियल फ्रैक्शन में से बच्चों आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और 1 लॉन्ग क्वेश्चन आना है। हर चैप्टर पढ़ने को दिल करता है, ना जाने क्यों मैथ से ही दिल डरता है। दिल तो बच्चा है जी, हाँ जी थोड़ा कच्चा है जी, हाँ जी। यूनिट नंबर 4 की बच्चों सबसे पहले आपने जो डेफिनेशंस करनी है ना याद, वो है रैशनल फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। आइडेंटिटी हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। फोर्थ चैप्टर का जस्ट बच्चों आपने रिव्यू लाजमी कट के जाना है। फोर्थ चैप्टर के बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर एमसीक्यूज देख सकते हैं। आपको हमारे गेस्ट पेपर में से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, उर्दू सारे सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर मिल जाएंगे। अगर आप हमारे गेस्ट पेपर से तैयारी करते हैं इंशाल्लाह ताला यू विल गेन 1051 मार्क्स इन एग्जाम 2023 एंड 1019 प्लस मार्क्स। मैंने आपको प्रूफ भी दिखा दिया कि जिन जिन स्टूडेंट्स ने हमारे गेस्ट पेपर बाय किए थे उनके मार्क्स आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। हमारे गेस्ट पेपर मंगवाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 03234516277 पर कॉन्टेक्ट करें। चैप्टर नंबर 5 में से बच्चों आपके पास 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। एक्सरसाइज 5.1 सारी की सारी बच्चों आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में। सबसे पहले आपने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 एंड 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राइट डी मॉर्गन लॉ। एक्सरसाइज 5.2 पे जिसने मिट्टी डाली मिट्टी डाल दे। एक्सरसाइज 5.3 भी इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन में आपने याद रखना है चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 से जस्ट आपने अपने लॉन्ग अच्छे तरीके से करके जाने। 5 और 6 को आपने लॉन्ग में टच नहीं करना। एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। व्यू के बच्चों आपके पास जो डेफिनेशंस है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1-1 ऑन टू फंक्शन, बाय जंक्शन फंक्शन, मॉर्गन लॉज हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में। चैप्टर नंबर 6 याद रखें एग्जांपल्स और डेफिनेशन में जस्ट इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में। अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन में। एग्जांपल 1 अरिथमेटिक मीन हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन में। मीडियन की बच्चों आपके पास 2 एग्जांपल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल 1 एंड एग्जांपल 2 शॉर्ट क्वेश्चंस में। एज नंबर 127 में बच्चों आपके पास एग्जांपल 1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ज्योमेट्रिक मीन की। हार्मोनिक मीन की एग्जांपल आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन में। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, डिफाइन 2 प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन में। रेंज की बच्चों आपके पास एग्जांपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पेज नंबर 137 पे। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन में। चैप्टर नंबर 5 में से बच्चों आपके पास 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और जस्ट आपके पास 1 लॉन्ग क्वेश्चन आना है। यूनिट नंबर 6 में से बच्चों आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और 1 लॉन्ग क्वेश्चन आना है। अगर मैं आपको मॉडल पेपर में से चैप्टर नंबर 4, 5, 6 में से जो जो क्वेश्चन हमने मॉडल पेपर में दिए हुए हैं ना वो चेक करवा दूं ना। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आता होगा, रैशनल फ्रैक्शन है, यूनियन है, ए क्रॉस बी है, बी क्रॉस ए है, डोमेन ऑफ अ रिलेशन है, ए बी फाइंड करना है, अरिथमेटिक मीन है, अरिथमेटिक मीन से सवाल आया हुआ है। यार अगर आपने 75 out of 75 गेन करने है ना तो जस्ट आपके पास एक ही चॉइस है। मैं आपको प्रूफ भी दिखा देता हूँ। ये चेक करें मलाइका के 75 है, दाऊद का रोल नंबर चेक करें, मैथ्स में मार्क्स चेक करें 9th में 73 है, 10th में 75 है, और टोटल नंबर चेक करें बच्चों। ये वो नंबर है जो आप अपनी स्क्रीन पर, मैं आपको रोल नंबर भी दिखा रहा हूँ। ये भी वही स्टूडेंट्स है जो आप घर में खाते हैं, ये भी बच्चा वही खाता है। जो आप मोबाइल यूज करते हैं ये भी वही मोबाइल यूज करता है। अगर आपने वक्त पर व्हाट्सएप पर, टिकटॉक पर, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, ट्विटर से अपनी जान छुड़ा ली ना, अगर आप इश्क मशूकी से इस दौर में एग्जाम 2024 के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, अगर आपने इनसे अपनी जान छुड़ा ली ना तो आप इस वक्त के वली हैं। अगर आपकी अभी भी इश्क मशूकी आपके सर पर सवार है ना तो याद रखें आपका कोई फ्यूचर नहीं है। आपका फ्यूचर बच्चों इस मैथ की बुक्स के साथ अटैच है, आपका फ्यूचर आपकी गर्लफ्रेंड के साथ अटैच नहीं है। गर्लफ्रेंड को आप 3-4 महीने का छिला काटे, सिर्फ मार्च तक आप पढ़े, मार्च के बाद आप जो मर्जी करें लिमिट में रहकर, लेकिन आपने मार्च तक दिन रात एक करना है। जैसे आपके वालदैन, आपके वालिद साहब आपके लिए दिन रात एक करते हैं, तो आप अपने लिए उनके लिए क्या करते हैं? आप उनके लिए कटा करते हैं, आप उनके लिए कुछ भी नहीं करते। सिर्फ मोबाइल चला लो, मोबाइल पे गेमिंग खेल लो, और आपको कोई टगे का काम नहीं आता। आय हाय 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 हाय। लेकिन अगर आप 1000 प्लस मार्क्स गेन करना चाहते हैं, इसके अलावा अगर आप
आपकी नाइन्थ में कोई भी सप्ली है तो हमारी वेबसाइट maths.com को लाजमी विजिट करें। इंशाल्लाह यू विल गेन 1000 प्लस मार्क्स इन एग्जाम 2024। नंबर 7 है आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में बच्चों, आपके पास दो शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और एक लॉन्ग आना है। एक्सरसाइज 7.1 भी बच्चों हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन में। 7.4 अगर जिसने करनी है कर ले, नहीं तो जस्ट आपने बच्चों 7.1 7.2 अच्छे तरीके से करके जानी है। गेस्ट पेपर 2024 बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर चैप्टर नंबर 7 के MCQs भी देख सकते हैं। इसके अलावा तीन इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है आपके पास। अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन में बात करें ना तो 7.1 और 7.2 की एक दो एग्जांपल्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन में 7.4 है। इसके अलावा चैप्टर नंबर 8, 9, 10, 11, 12 और 13 की बच्चों आपने जस्ट डेफिनेशन सॉल्व करनी है, जो जो हमारे गेस्ट पेपर में अवेलेबल है सिर्फ बच्चों आपने बस वही करना है। इसके अलावा अगर मैं आपको मॉडल पेपर दिखाऊं ना चैप्टर नंबर 7 से लेकर चैप्टर नंबर 13 तक, ये देखें डेफिनेशन है डेफिनेशन 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 और यहाँ पे आपके पास सॉल्विंग क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, चैप्टर नंबर 7 में से। और चैप्टर नंबर 8 से लेकर 13 तक बच्चों आपने जस्ट डेफिनेशन अच्छे तरीके से करनी है। डेफिनेशंस आपको हमारे गेस्ट पेपर में मिल जाएंगी। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है हमारे गेस्ट पेपर घर मंगवाने के लिए, तर्जमतुल कुरान इस्लामियात कंपलसरी की जो न्यू बुक आई है, इंशाल्लाह वही गेस्ट पेपर्स आपको न्यू मिलेंगे जिससे आप 1000 प्लस मार्क्स गेन कर सकते हैं। गारंटी है कि अगर आप हमारे गेस्ट पेपर से तैयारी करते हैं, इंशाल्लाह यू विल गेन 1000 प्लस मार्क्स इन एग्जाम 2024। ये प्रूफ आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी नाइन्थ क्लास में कोई भी सप्ली है तो हमारी वेबसाइट maths.com पर लाजमी विजिट करें।